हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सैटेलाइट्स, उपग्रह। चलिए इसको देखते हैं। हम यहाँ पर उपग्रहों की बात करें या सैटेलाइट की बात करें तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर मीन कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, मैन मेड सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और उसके बाद में उसे अर्थ की ऑर्बिट में या फिर आउटर स्पेस के अंदर उसे प्रक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो मैनमेड सैटेलाइट्स हैं उन्हें हम तीन कैटेगरी के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दूसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह, तीसरा है नेविगेशन सैटेलाइट नौवहन उपग्रह, और चौथा है स्पेस साइंस या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट की अंतरिक्ष अनुसंधान या अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी उपग्रह। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको ब्रीफली देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की या सुदूर संवेदी उपग्रह। देखिए, हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को समझें उससे पहले हमारे को एक शब्द को समझना होगा, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग, ये किसे कहते हैं। तो देखो, किसी भी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करना, ये कहलाता है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। कि आप किसी चीज के या किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आए लेकिन आप उसको दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अपन ने पहले एक बार बात करी थी, जैसे इसका अपन सामान्य उदाहरण ले तो मैंने किस कलर की शर्ट पहन रखी है ये आपको दूर से देखने पर ही पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपके आसपास घर के अंदर, घर के कहीं पड़ोस के अंदर हलवा बन रहा है तो हमारे नाक के अंदर जो सेंसर है उसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि आसपास कहीं हलवा बन रहा है या कोई दूसरी कोई पकवान बन रहा है। तो ये क्या है, ये सुदूर संवेदन है, रिमोट सेंसिंग, की दूर से किसी चीज को सेंस कर लेना। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो उपग्रह होते हैं उन्हें कहा जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदी उपग्रह। ठीक है, ये जो उपग्रह होते हैं सुदूर संवेदी, इन्हें जनरली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जाता है, सामान्यतः इन्हें निम्न भूकक्षा के अंदर प्रक्षेपित किया जाता है। यह बात सामान्यतः कर रहे हैं अपन, ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कोई हायर कैपेबिलिटी वाले या एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आपके पास में ऐसे उपग्रह है जो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई से भी, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से वो काम कर सकते हैं, आप उनको वहां से करवा लीजिए। और अदरवाइज जो है सबसे अच्छी जगह कौन सी हो जाती है, तो वो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट हो जाती है 162-2000 किलोमीटर की, जो पेरिफेरी के अंदर है वो वाली। ठीक है, और यहाँ पर सामान्यतः इनका जो आवर्तकाल होता है वो 90 मिनट से 128 मिनट तक हो सकता है, यानी कि 1.5 घंटे से लेकर के लगभग 2 घंटे तक इनका रिवोल्यूशन पीरियड हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं इनके ऊपर बहुत तरीके के कैमरास और सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और उन कैमरास और सेंसर्स के द्वारा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, और ये जो कैमरास और सेंसर्स हैं ये किन किन वेव्स के वेव्स पर बेस्ड कार्य करते हैं, तो माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स यानी कि अवरक्त तरंगे, और विजिबल रेज यानी कि दृश्य तरंगे। इनके माध्यम से ये कैमरास और सेंसर जो हैं विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा अपन समझते हैं कि किस प्रकार से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काम करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि दिन के अंदर जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पर विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरती है। ठीक है, और वहां पर वो ऑब्जेक्ट उस रोशनी को या उस विजिबल रे को एब्जॉर्ब करता है और वापस से कुछ दूसरी प्रकार की रेज या किरणें जो है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित कर देता है, और उन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को वापस से इस सैटेलाइट द्वारा, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इसके द्वारा सेंस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और उनकी विभिन्न आवृत्तियों या फ्रीक्वेंसी के बेस पर उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो उसकी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, तो दिन के अंदर इस तरीके से काम करेगा और रात्रि के अंदर किस प्रकार से काम करेगा, तो आपको पता होगा ज्योग्राफी के अंदर आप इस चीज को पढ़ते हैं कि जो दिन के अंदर हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की है विभिन्न ऑब्जेक्ट्स ने, वो रात के समय उसी हीट को विभिन्न तरंगों के माध्यम से वापस से या विभिन्न वेव्स के माध्यम से वापस से एमिट करते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से एमिट करते हैं, किस वेवलेंथ या किस फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों के थ्रू उसे एमिट करते हैं, उसके माध्यम से वापस से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा उसे ऑब्जर्व किया जाता है कंटिन्यूअसली
तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया जाता है। जैसे देखो इसको सिंपल सी इस लैंग्वेज के अंदर हम समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी कोई व्यक्ति आप देख रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल लाल हो रखा है, ठीक है, चेहरा उसका लाल हो रखा है और उसको हल्का हल्का स्वेट आ रहा है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जरूर धूप में से आया होगा, ठीक है, या इसे ज्यादा गर्मी लगती होगी। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं भाई, हम किसी चीज को देख करके किस प्रकार की उससे क्या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है उसके माध्यम से उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह जो है वो कार्य करते हैं कि किस प्रकार से उस पर कैमराज और सेंसर्स, जिन्हें संसूचक कहा जाता है, वो लगे हुए होते हैं, जो माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और विजिबल रेज के माध्यम से उनको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह है ये ऑब्जर्व कैसे करता है। देखो तो इस चित्र के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो पृथ्वी के ऊपर से गुजर रहा है। ये क्या करता है कि यह पृथ्वी है जिसके ऊपर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गुजर रहा है। हमने बात की कि इसका आवर्तकाल 90 मिनट से लेकर के 128 मिनट तक हो सकता है, यानी कि ये एक दिन के अंदर 12 या 13 से लेकर के 16 17 चक्कर पृथ्वी के लगा लेता है, ठीक है, एक ही दिन के अंदर। तो होगा क्या कि जब पहली बार ये सैटेलाइट पृथ्वी पर से गुजरेगा तो मान लीजिए उस वो इस क्षेत्र को कवर करते हुए निकल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो सैटेलाइट पूरी की पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। सैटेलाइट की अपनी एक रेंज होती है जिसके अंदर वो प्रॉपरली किसी चीज पर फोकस करते हुए उसको ऑब्जर्व कर सकता है। ये यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार का ये जो एरिया जो एक लैंड स्ट्रिप बनी हुई है, एक स्ट्रिप बनी हुई है, पट्टीनुमा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है उसे ये ऑब्जर्व करता हुआ निकल रहा है। तो पहली बार जब सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर से गुजरा तब वो इस क्षेत्र को ऑब्जर्व करते हुए निकला या इस क्षेत्र को स्कैन करते हुए निकला। अगली बार क्या होगा कि जब वो वापस घूम करके आ रहा है उस वक्त तक पृथ्वी अपने एक्सिस पर थोड़ा रोटेट कर गई होगी, तो वापस जब वो गुजरेगा तब हो सकता है पृथ्वी का अगला क्षेत्र उसके सामने आ जाए और अगला ये क्षेत्र होगा, ठीक है। तो अगली बार जब वो पृथ्वी पर से गुजरेगा तो वो इस क्षेत्र को स्कैन करते हुए निकलेगा, ठीक है, और अगली बार जब फिर वापस से ही आएगा तब तक उस पृथ्वी का कोई दूसरा क्षेत्र इसके सामने आ जाएगा, तो अगली बार ये इस क्षेत्र को जो है ऑब्जर्व करते हुए निकलेगा। समझ रहे हैं आप चीज को? तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअसली पृथ्वी के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक पट्टी नुमा क्षेत्र को स्कैन करते हुए निकलेगा और बार बार जब वो पृथ्वी के बाहर से गुजरेगा तो वो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को कभी न कभी कवर कर लेगा, ठीक है, और इस प्रकार से वो उनके बारे में या पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसके ऊपर कुछ कैमरास लगे होते हैं, ठीक है, या सेंसर्स जो लगे हुए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे जब भी आप किसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अगर इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाता है या किसी दूसरी कंट्री द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो आपको ये इक्विपमेंट्स बहुत कॉमन है जो आपको उनके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका लिस लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, LISS, लिस कहा जाता है इसे, लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, ठीक है। इसका नाम अपने आप में बता रहा है कि ये पृथ्वी को जब स्कैन करते हुए निकलेगा या पृथ्वी को ऑब्जर्व करते हुए जब निकलेगा तो एक पट्टीनुमा क्षेत्र के अंदर इसे ऑब्जर्व करेगा पृथ्वी को, ठीक है, लैंडस्केप को ऑब्जर्व करते हुए निकलेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है कि लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, और ये पूरे के पूरे क्षेत्र को हमेशा ऑटोनॉमसली उसे ऑब्जर्व करता हुआ निकलेगा, आपको इसे कमांड देने की जरूरत नहीं है, तो ये सेल्फ स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं वाइड फील्ड सर्वे, यह भी एक प्रकार का कैमरा होता है, ठीक है, जो लिस की भांति ही कार्य करता है, बस लिस से ये डिफरेंट कैसे होता है, तो बस इसके अंदर एक खास बात यह पाई जाती है कि यह अपने एक्सिस से, अपने अक्ष से 30 डिग्री बाएं या दाएं जो है मूवमेंट कर सकता है, और अगर वो अपने एक्सिस से मूवमेंट कर सकता है थोड़ा बहुत तो क्या होगा, ये लिस के द्वारा जो क्षेत्र कवर किया जा रहा है उसकी तुलना में ज्यादा क्षेत्र को कवर कर पाएगा। जैसे अगर लिस जो था लाइन इमेजिंग सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा वो इतने से क्षेत्र को कवर कर रहा था, तो क्योंकि ये जो कैमरा है ये अपने एक्सिस से 30 डिग्री, इस जगह से 30 डिग्री तक मुड़ सकता है, तो इस कारण से यह ज्यादा क्षेत्र को कवर करेगा, ठीक है। तो लिस की तुलना में ये क्या करेगा, एक बड़े भूभाग को कवर करते हुए निकलेगा, उसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो जुटा पाएगा। उसके बाद तीसरा जो है वो है पैन क्रोमेटिक कैमरा, ठीक है, पैनारोमिक आपने नाम शब्द सुना होगा, और क्रोम जो शब्द होता है
ठीक है, क्रोमा जो शब्द होता है वो रंग के लिए, कलर के लिए यूज किया जाता है। जो पैनक्रोमेटिक कैमरा है यह रंगीन चित्र लेने में सक्षम होता है, ठीक है, या रंगीन चित्र, कलरफुल जो इमेजेस हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए जिस कैमरा का यूज किया जाता है वो होता है आपका पैनक्रोमेटिक कैमरा। अगला आता है आपके ओशन कलर कैमरा, नाम अपने आप में बता रहा है, यह समुद्र के चित्र लेने में सक्षम होता है, ठीक है, ओशन के। अगला नाम वेरी हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर या फिर रेडियोमीटर, तो इसका भी नाम अपने आप में बता रहा है कि यह क्या करता है कि उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें खींचता है, हाई रेजोल्यूशन वाली जो पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं उन्हें कैप्चर करता है। तो इस प्रकार से सुदूर समय उपग्रह पर बहुत सारे कैमराज लगे होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जो किस पर बेस्ड कार्य करते हैं, तो वो बहुत सारी वेव्स पर बेस्ड कार्य करते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपकी माइक्रोवेव्स हो गई, आपकी इंफ्रारेड वेव्स हो गई, और आपकी दृश्य तरंगे विजिबल रेज हो गई, ठीक है। और उसके बाद में इनके अंदर कौन कौन से कैमराज या सेंसर लगे हुए होते हैं, तो उसके कुछ हमने एग्जाम्पल देख लिए जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। चलिए हमने इसके बारे में समझ लिया है, अब हम बात करते हैं कि देखो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आपको अगर उसकी प्रोसेस समझ में आ गई कि वो कैसे कार्य करता है, तो आप उससे थोड़ा सा इन चीजों को इजीली समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। सबसे पहला है रिसोर्स असेसमेंट, यानी कि संसाधनों का पता लगाने में, संसाधनों का आकलन करने में। ये संसाधन कैसे हो सकते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये बताया, बाकी बहुत तरीके के संसाधन या आपके रिसोर्सेस हो सकते हैं जिन्हें ऊपर से ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिनका असेसमेंट किया जा सकता है, जिसके अंदर सबसे पहला है आपके फॉरेस्ट वन, ठीक है। देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है 2017 में आई थी, 19 में आई थी, इस तरीके से फॉरेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसके अंदर फॉरेस्ट कवर कितना है पूरे इंडिया के अंदर, उस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए व्यक्ति खुद जाकर के नापते हैं क्या जगह को? ऐसा नहीं होता, उसको सैटेलाइट के थ्रू पूरी की पूरी चीज की मैपिंग की जाती है, पूरे कंट्री की मैपिंग की जाती है, और देखा जाता है कि कहाँ पर डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पर नॉर्मल फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी चीजें कहाँ पर कितनी हरियाली है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो फॉरेस्ट हो गए आपकी, उसके बाद में डेजर्ट, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, किस तरफ मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, मरुस्थल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उसका विस्तार कहाँ तक है, ये भी कहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, कहाँ से देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, तो सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर, हमारा जो कृषि है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कृषि के अंदर कहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है, ये सारा का सारा। देखो एक पुराना तरीका होता था जहाँ पर पटवारी या संबंधित जो अधिकारी है या व्यक्ति है वो जाकर के और सारी के सारी गणना किया करता था, लेकिन आज के समय में वो गणना भी की जाती है, लेकिन उसको साथ साथ में टैली किया जाता है सैटेलाइट द्वारा, जो हमारे को डेटा मिलता है उसके साथ में, या फिर कोई सुदूर क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर उनकी गणना करना संभव नहीं है उत्पादन की, तो वहां पर किसके द्वारा किया जाता है ऑब्जर्व उस चीज को, तो उसको सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है कि कितना उत्पादन हो रहा है किस क्षेत्र के अंदर, और कौन सी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है किन किन जगहों पर। साथ ही साथ में जब कोई आपदा की स्थिति आती है तो नुकसान कितना हो गया, इसका आकलन भी क्या किया जाता है, एक ग्राउंड रिपोर्ट होती है, साथ साथ में उसको सैटेलाइट डेटा के द्वारा भी टैली किया जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर टिड्डी दलों का आक्रमण हुआ था, लोकस्ट स्वार्म हुआ था, तो उस वक्त क्या किया गया, भाई टिड्डी दलों ने कहाँ कहाँ पर नुकसान किया, उसका आकलन के अंदर सैटेलाइट की भी सहायता ली जाती है, टिड्डी दल किस तरफ बढ़ रहा है, उसमें किसकी सहायता ली जाती है, आपके तो सैटेलाइट्स की सहायता ली जाती है, ठीक है। वाटर, वाटर मैनेजमेंट कि हमारे को किस तरफ ढलान है जमीन की, कहाँ पर हमारे को पौंड या कोई जल क्षेत्र जो है वो बनाना चाहिए ताकि पानी वहां पर आकर के इकट्ठा हो सके, किस क्षेत्र से हमको नहर निकालनी चाहिए कि ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। तो इस प्रकार से हमारे जो वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है वो भी किसके द्वारा किया जा सकता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा किया जा सकता है। समुद्री संसाधनों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और हमारे जो खनिज संसाधन है जो भूमि के अंदर दबे हुए हैं, यूरेनियम हो गया, गोल्ड हो गया, और इस प्रकार के अन्य संसाधन जो है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन जो है, ऊर्जा खनिज है हमारे, ठीक है, एनर्जी मिनरल्स जो है वो कहाँ कहाँ पर है, उनका पता लगाया जा सकता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के माध्यम से। फिर देखते हैं इसका दूसरा यूज, दूसरा यूज है इसका वेदर रिसर्च में और वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, कि मौसम के अनुसंधान में और मौसम की भविष्यवाणी करने के अंदर। आपने देखा होगा कि बारिश की भविष्यवाणी की जाती है, या किसी दूसरी चीजों की मौसम से रिलेटेड जो चीजें होती है कि चक्रवात आने की संभावना है या मौसम साफ रहेगा, ये सारी की सारी भविष्यवाणी जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा जो जानकारियां दी जाती है उसके माध्यम से हमें पता चलती है, ठीक है। आपने कई बार टीवी चैनल पर अगर वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट सुनी हो या देखी हो तो आपने देखा होगा वो पीछे की तरफ एक सैटेलाइट की इमेज बताते हैं। अमूमन ऐसा साइक्लोन
या चक्रवात की स्थिति में जब दिखाने के लिए हमेशा सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो सैटेलाइट्स कौन से होते हैं, मोस्टली कौन से होते हैं, मोस्टली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला यूज जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, आपदा प्रबंधन के अंदर। अभी हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली बहुत सारे चक्रवात आए हैं। ठीक है, तो उन चक्रवात की स्थिति में क्या किया जाता है कि पूर्व चेतावनी दी जाती है, जो पहले से वार्निंग दी जाती है कि जो चक्रवात है या साइक्लोन है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है और इस जगह पर आकर के हिट करेगा, इस टाइम पर आकर के हिट करेगा, इतनी स्पीड के साथ हिट करेगा, तो वार्निंग पहले से दी जाती है। फिर असेसमेंट किया जाता है कि कितना नुकसान हुआ, उसके लिए सैटेलाइट की सहायता ली जाती है, सैटेलाइट इमेजेस की। ठीक है, सर्च ऑपरेशन चलाने जो होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है, इस तरीके के जो ऑपरेशन चलाने होते हैं उसके अंदर भी सैटेलाइट की सहायता ली जाती है। इस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट में भी रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की, जो हमारा शहरी नियोजन है, ठीक है, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, देखो कि कहाँ से सड़क बनाई जानी चाहिए, कहाँ पर शहर के अंदर पार्क्स बनाए जाने चाहिए, किस प्रकार से हमारे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका यूज किया जाना चाहिए, किस प्रकार से रिंग रोड बनाई जानी चाहिए, कहाँ पर आपको विभिन्न जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों की एक्सेस वहां पर इजीली सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार की सारी जो अर्बन प्लानिंग है वो सारी किसके माध्यम से की जा सकती है, सैटेलाइट के माध्यम से बहुत इजीली की जा सकती है। उसके बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है ग्रामीण विकास के अंदर, ठीक है, कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर। कैसे, देखो कि नहर गांव के आसपास या किस क्षेत्र से होकर के गुजरे ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है, और गांव के अंदर क्लस्टर निर्माण जो उनके विकास के लिए आवश्यक है, या मंडी का निर्माण किया जाए तो कहां पर किस प्रकार से किया जाए, ये सारी की सारी चीजें जो है सैटेलाइट द्वारा जो हमें डेटा प्राप्त होता है उसके माध्यम से की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो सुदूर संवेदी उपग्रह हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उनका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि भारत के अंदर जो सुदूर संवेदी उपग्रह हैं उनका क्या इतिहास रहा है। तो इंडिया ने अपना जो फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है IRS-1A यह 1988 के अंदर लॉन्च किया था USSR की मदद से। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पहला इंडिया का कौन सा था, तो वो था IRS-1A। यहां पर IRS के अंदर ये चीज ध्यान रखना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, इस चीज को समझना। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A जो है पहला हमारा सुदूर संवेदी उपग्रह था और इसे 1988 में USSR की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद में वर्तमान में हमारे 13 सुदूर संवेदी उपग्रह जो है वो सक्रिय हैं। देखो किसी भी उपग्रह, भले वो किसी भी प्रकार का उपग्रह हो, सुदूर संवेदी उपग्रह हो, भले वो संचार उपग्रह हो या वो नौवहन उपग्रह हो या किसी भी प्रकार का उपग्रह हो, सामान्यतः जो उनकी एज होती है, ठीक है, वो 5 ईयर 7 ईयर से लेकर के 15 ईयर्स तक हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में उसको रिटायर कर दिया जाता है या उसे आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाता है, और कई बार वो किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण या गड़बड़ी के कारण पहले ही उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 से 15 साल तक उनकी उम्र हो सकती है, और उसके बाद में जैसे ही कोई सैटेलाइट अपना काम करना बंद कर देता है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, कोई दूसरा सेम फंक्शनिंग वाला या एडवांस फंक्शनिंग वाला सैटेलाइट वहां पर लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में इंडिया के 13 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इनमें से जो जो आउट ऑफ सर्विस होते रहते हैं उनकी जगह पर दूसरे या कोई नए जो है सैटेलाइट भेजे जाते रहते हैं, तो ये नंबर जो है ये वैरी कर सकता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, उसके बाद में जो अभी हमारे कार्यरत कुछ सैटेलाइट्स हैं रिमोट सेंसिंग, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला है रिसोर्स सेट, इसका नाम अपने आप में बता रहा है भाई ये क्या कार्य करेगा, रिसोर्सेज का असेसमेंट करने वाला सैटेलाइट, यानी कि संसाधनों का आकलन करने वाला सैटेलाइट जो है वो क्या कहलाएगा, रिसोर्स सेट। उसके बाद में अगला जो नाम है वो है आपका ओशन सेट, इसका नाम अपने आप में बता रहा है क्या है ये, कि जो समुद्री संसाधनों का या जो मरीन आपके रिसोर्सेज हैं उनके असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहेंगे, ओशन सेट। उसके बाद अगला है आपका कार्टो सेट, ऐसा सैटेलाइट जो कार्टोग्राफी के लिए यूज किया जाता हो, ठीक है, अर्थ इमेजिंग के लिए यूज किया जाता हो, कार्टोग्राफी बोले तो पृथ्वी का मानचित्र तैयार करना, उसकी टोपोग्राफी के बारे में पता लगाना कि उच्चावच कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ मैदान है, क्या उसकी भूमि किस प्रकार की है। ठीक है, तो अर्थ इमेजिंग या फिर कार्टोग्राफी के लिए जो यूज किया जाता है वो सैटेलाइट कौन सा है, तो वो है आपका कार्टोसेट। चलिए उसके बाद और देखते हैं, अगला है आपके रीसेट। रीसेट के अंदर देखना, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है,
रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, कि ऐसा सैटेलाइट जिसमें रेडार का उपयोग किया जाता है अर्थ की इमेजिंग के लिए, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो अर्थ का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, पृथ्वी को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, उस पर होने वाली विभिन्न घटनाओं को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अगला जो है वो है मेघा ट्रॉपिक्स। इसका नाम अपने आप में बता रहे, देखो हिंदी का शब्द होता है मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, ठीक है, बादलों का निर्माण किसके तहत होता है, तो वाटर साइकिल या जल चक्र के दौरान बादलों का निर्माण होता है, ठीक है, तो इस चीज को समझना। दूसरा है आपका ट्रॉपिक्स, ये देखो स्पेलिंग इसकी सी एस नहीं है, यहाँ पर ये स्पेलिंग यही है, इस चीज को ध्यान रखना। एक्चुअली ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें, ये जो हमारा सैटेलाइट है यह किस पर्पज के लिए बनाया गया है, तो यह ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जल चक्र या बादलों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और यह सैटेलाइट इंडिया और फ्रांस का जॉइंट वेंचर है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये, ठीक है। उसके बाद में अगला जो सैटेलाइट है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो है सरल। सरल का पूरा नाम है सैटेलाइट विद आर्गोस एंड एल्टिका, ठीक है, और यह भी इंडिया के इसरो और फ्रांस का CNES फ्रांस का जॉइंट वेंचर है, उनकी संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है ओशनोग्राफिक स्टडी, यानी कि समुद्र विज्ञान का अध्ययन करना, समुद्रों का असेसमेंट करना और उनका अध्ययन करना, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला जो है वो है आपका मेटसेट। यह है मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट जो मौसम का अनुसंधान करे, मौसम के बारे में बताए, ठीक है, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करे, एटमॉस्फेयर के बारे में बताए, ऐसा सैटेलाइट। इसका नाम कल्पना वन भी है, एक्चुअली कल्पना चावला की याद में इसका नाम जो है कल्पना वन कर दिया गया था। चलिए और इसकी खास बात यह है, ये चीज ध्यान रखना कि रिमोट, ये ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, भू स्थिर कक्षा के अंदर इसको प्रक्षेपित किया गया है। याद करना अपन ने बात की थी कि इन्हें सामान्यतः लो अर्थ ऑर्बिट में निम्न भू कक्षा के अंदर प्रक्षेपित किया जाता है, लेकिन ये मैटसैट या फिर कल्पना एक ऐसा सैटेलाइट है, ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर भू स्थिर कक्षा में, यानी कि 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो मौसम की जानकारी देना, वेदर के बारे में बताना और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में। चलिए अगला हम देखते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर संचार उपग्रह। कम्युनिकेशन सैटेलाइट किन्हें कहते हैं, तो ऐसे उपग्रह जिनका उपयोग संचार की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उनके अंदर कोई सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। सामान्यतः ये जो सैटेलाइट है इन्हें भू स्थिर कक्षा के अंदर या जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर इन्हें लॉन्च किया जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी हुई, तो ये हमारी अर्थ है, यह उसकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, इक्वेटर है, और जो इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल जो कक्षा होती है 35,786 किलोमीटर पर, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो भू स्थिर कक्षा के अंदर इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। और यह सामान्यतः ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना कि संचार उपग्रह हमेशा भू स्थिर कक्षा में होंगे ऐसा कंपल्सरी नहीं है, इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भी प्रक्षेपित किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पर सामान्यतः इनका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो कितना होता है, 24 घंटे होता है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस पर पूरा का पूरा रोटेट कर जाती है और साथ ही साथ यह भी पृथ्वी का चक्कर पूरा लगा लेता है। और इसी कारण याद करना, जब अपन ऑर्बिट्स पढ़ रहे थे तब अपन ने बात की थी कि जो भू स्थिर कक्षा के अंदर जिन उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है उन्हें पृथ्वी से देखने पर वो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है पृथ्वी के सापेक्ष, ठीक है। तो वो फिनोमेना यहाँ पर काम आएगा भाई, इसी कारण से, उसी फिनोमेना के कारण हम इसे संचार में यूज कर पाते हैं, ठीक है। कैसे, उस चीज को समझते हैं, देखो देखो ये है हमारी अर्थ, हल्की सी ये टिल्टेड होती है अपनी एक्सिस पर, ठीक है, और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है जिसके बाहर बाहर संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अब इस चीज को देखना, मैंने उस दिन आपको समझाया था कि ये अर्थ है और ये इसका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखीय तल हो गया, और सैटेलाइट को यहाँ पर भूमध्य रेखीय तल के ऊपर लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब इस चीज को देखना कि अर्थ एक दिन में अपने एक्सिस पर एक रोटेशन
पूरा कर लेती है, ठीक है। और साथ ही साथ में उपग्रह भी पृथ्वी का एक पूरा चक्कर एक दिन में लगा लेता है। इसी कारण क्या होता है, इस चीज को समझना, देखो कि ये यहाँ पर सैटेलाइट है, ठीक है, और यहाँ से जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे सैटेलाइट भी उसके साथ साथ चलता जा रहा है, समझ रहे हैं आप चीज को। और इस प्रकार से जब अर्थ अपना एक रोटेशन अपने एक्सिस पर कंप्लीट कर लेगी, उस टाइम ये उपग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर चुका होगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी पर किसी भी जगह से कोई भी व्यक्ति है तो उसको ये सैटेलाइट हमेशा स्थिर प्रतीत होगा, कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर बैठा है नॉर्थ पोल पर तो उसको हमेशा ये सैटेलाइट इस एंगल पर ही दिखाई देगा हमेशा, और अगर कोई विषुवत रेखा पर है तो उसको वो पर्टिकुलर उसी जगह पर दिखाई देगा, और अगर कोई नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया में यदि कोई व्यक्ति बैठा है या अंटार्कटिका में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे वो सैटेलाइट हमेशा उसी एंगल पर दिखाई देगा, उसी जगह पर दिखाई देगा, समझ रहे हैं चीज को। तो वो सैटेलाइट हमेशा क्या होगा, एक ही जगह पर स्थित प्रतीत होगा, यानी कि वो किसी एक ही जगह पर अवस्थित है स्पेस के अंदर, ठीक है। तो उसी फिनोमेना का यूज किया जाता है कि हम हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भू स्थिर कक्षा में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर कुछ इस प्रकार से लॉन्च करते हैं कि वो सैटेलाइट हमारे देश के ऊपर या आसपास के क्षेत्र में आकर के अवस्थित हो जाए, जिससे क्या होगा कि वो हमेशा हमारे कंट्री के ऊपर बना रहेगा और हम हमेशा उसके साथ में क्या कर सकेंगे, कम्युनिकेशन कर सकेंगे, समझ रहे हो चीज को। देखो जैसे आप इस सैटेलाइट को देख रहे होंगे कि ये सैटेलाइट जो है ये साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है, और यहां पर ये एग्जैक्टली ये जो क्षेत्र है इसके जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये सैटेलाइट हमेशा यहीं पर आपको दिखाई देगा। यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है उसे भी यही दिखाई देगा, और नीचे से कोई व्यक्ति देख रहा है इस जगह से उसे भी यही दिखाई देगा। और ये मेनली किस जगह पर फोकस कर रहा है, तो ये इस जगह को या इस एरिया को फोकस कर रहा है, हमेशा इसके ऊपर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इस प्रकार से लॉन्च करते हैं कि वो हमेशा इंडिया के ऊपर बना रहे या इंडिया के आसपास के क्षेत्र में बना रहे, जिसके कारण हम हमेशा उसके साथ में कम्युनिकेशन कर सकें, समझ रहे हो चीज को। और हमेशा यही पोजीशन रहेगी कि ये अर्थ अपनी जगह पर रोटेट करेगी तो साथ साथ में ये सैटेलाइट भी उसी जगह पर रिवॉल्व करता रहेगा, और इस कारण से ये हमेशा कॉन्टेक्ट के अंदर रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं इस चीज को कि देखो उपग्रह के ऊपर लगे हुए होते हैं कुछ इक्विपमेंट्स जिन्हें कहा जाता है ट्रांसपॉन्डर, ठीक है। ट्रांसपॉन्डर क्या होते हैं, तो ट्रांसपॉन्डर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो अर्थ से जो सिग्नल आता है उसको वापस से बूस्ट अप कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, और वापस से अर्थ की तरफ उसको प्रेषित कर देते हैं, ठीक है, कि कोई सिग्नल जो अर्थ की तरफ से उसके पास में सैटेलाइट के पास में आया उसको उसने एम्पलीफाई किया, और फिर टारगेटेड जो स्टेशन है अर्थ पर जो स्टेशन है उसकी तरफ उसने वापस से उसको सेंड बैक कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसपॉन्डर जो है वो सैटेलाइट के ऊपर लगे हुए होते हैं, और सैटेलाइट जो है वो अपलिंक और डाउनलिंक के द्वारा संचार सुनिश्चित करते हैं। किस तरीके से होता है इस चीज को देखना, देखो ये ग्राउंड स्टेशन है अर्थ पर, एक स्टेशन है जहां से एक सिग्नल ऊपर की तरफ सैटेलाइट को, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है, ठीक है, उसकी तरफ संप्रेषित किया जाता है। वहां पर उपग्रह पर लगे होते हैं ट्रांसपोंडर, ठीक है, उपग्रह द्वारा इन संकेतों को ग्रहण किया जाता है, और उपग्रह पर जो लगे होते हैं ट्रांसपोंडर उनके द्वारा इन संकेतों को या सिग्नल्स का आवर्धन किया जाता है, इन्हें एम्पलीफाई किया जाता है, और वापस से इन्हें अर्थ की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है। ऐसा एम्पलीफाई क्यों करते हैं, देखो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब यहां से जो सिग्नल चला है ये 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है, ठीक है, तो वहां तक जब जाएगा तो इसकी एनर्जी के अंदर किसी न किसी प्रकार की कमी आ जाती है, ठीक है, तो वापस से इसको बूस्ट अप किया जाता है इसको, और वहां से वापस इसको अर्थ की तरफ ग्राउंड स्टेशन की तरफ वापस से भेज दिया जाता है, और इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर संचार जो है वो सुनिश्चित हो पाता है। तो ये जो ऊपर की तरफ जो संकेत भेजा जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी या इस संकेत को कहा जाता है अपलिंक, और जो वापस ऊपर से जो नीचे की तरफ संकेत आता है उसे कहा जाता है डाउनलिंक, और अपलिंक और डाउनलिंक जो है इनकी फ्रीक्वेंसी अलग रखी जाती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए तो ये इस प्रकार से कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अब इस चीज को समझना, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर टाटा स्काई लगे हुए होते हैं, ठीक है, आगे हम जस्ट इसका उपयोग देखेंगे जिसके अंदर हम डीटीएच की बात करेंगे, ठीक है, टाटा स्काई होगी या दूसरे इस तरीके के जो डीटीएच कनेक्शंस हैं,
आपने देखा होगा कि वो हमें डीटीएच कनेक्शंस जो हैं या जो उनकी डिश होती है, जो छतरी होती है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर जितनी भी डिश हैं वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोकस्ड है। और वो डायरेक्शन कौन सी है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो कभी आप ऑब्जर्व करना उसको, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा फोकस्ड रहते हैं। तो एक्चुअली वो इस डायरेक्शन के अंदर क्यों फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो उसी दिशा के अंदर प्रक्षेपित किया हुआ है, उसी जगह पर है, ठीक है, इसी कारण से वहीं पर सिग्नल भेजे जाते हैं और उसी तरफ से जो है वापस से सिग्नल जो है वो प्राप्त होते हैं। समझ रहे हो चीज को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसी के माध्यम से संचार इस प्रकार से सुनिश्चित होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इन्हें यूज किया जा सकता है। वैसे तो इसका नाम अपने आप में बता रहा है कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आपको जो आइडिया लगना चाहिए वो इसकी फंक्शनिंग, कि किस प्रकार से ये काम करता है, कहाँ पर आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट के अंदर, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वहां पर रहने के कारण, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आप इसको किन किन यूज में ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है जो इसका, वो है दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार के अंदर संचार सुनिश्चित करने में। देखो संचार सुनिश्चित करने के अंदर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर प्रक्षेपित किए गए संचार उपग्रहों का मेनली उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सैटेलाइट हमेशा वहां पर है, वहीं पर अवस्थित है, इस कारण से आप उससे कंटिन्यूअसली जो है कनेक्शन के अंदर रहोगे। वहीं अगर रिमोट सेंसिंग से आप सॉरी अगर हम बात करें लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है, तो क्या होगा कि वह सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के 14-15 चक्कर लगाएगा, तो वो कंटिन्यूअसली अर्थ के बाहर चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम एनी टाइम पूरे टाइम उसके साथ में कॉन्टेक्ट में रह सकें, समझ रहे हो चीज को। इसलिए हमारे को एक से ज्यादा सैटेलाइट्स की आवश्यकता पड़ेगी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। वहीं पे हमारे को अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या भू स्थिर कक्षा की बात करें तो वहां पर अगर सिर्फ एक सैटेलाइट है तो भी हमारा वहां पर काम चल जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए कि वहां पर वो बहुत ही हाई कैपेसिटी के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिग्नल को कहाँ तक जाना है, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है। वहीं पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या होता है कि सिग्नल को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता। चलिए तो बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के यूजेस की। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज अपने आप में इसका नाम ही बता रहा है, सबसे पहला है कम्युनिकेशन के अंदर, टेली कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। इसका दूसरा यूज किया जाता है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, कि पुराने टाइम के अंदर आपने देखा होगा जो टेलीविजन के जो सिग्नल्स हुआ करते थे, ठीक है, वो या आज के टाइम के अंदर भी इसका यूज किया जाता है कि उन्हें सैटेलाइट की तरफ भेजा जाता है और सैटेलाइट द्वारा वापस से उनको ग्राउंड स्टेशन की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है, तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में। तीसरा है डीटीएच सर्विसेज या डीटीएच सेवाओं की प्रदायगी में। डीटीएच क्या होता है, तो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, ठीक है, कि ऐसी सेवाएं जो सीधे सीधे घर तक पहुंचाई जा रही है। देखो इसका सामान्य अगर हम बात करें, मेनली इसको बात की जाती है टीवी के कंटेक्स्ट के अंदर। देखो होता क्या था कि पहले केबल्स का यूज किया जाता था, केबल वायर होती थी जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर टीवी के चैनल्स के कनेक्शन आते थे, ठीक है, तो बीच में एक मीडिएटर हुआ करता था जो केबल ऑपरेटर कह सकते हो आप उसको, ठीक है, उसके माध्यम से हमारे पास में सिग्नल आते थे। वहीं पर अगर उस मीडिएटर को हटा दिया जाए और डायरेक्ट सिग्नल आपके पास पहुंचे, अब डायरेक्ट सीधे सीधे तो पहुंच नहीं सकते, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए सैटेलाइट का यूज किया जाता है कि सिग्नल यहाँ से ब्रॉडकास्ट किए गए, यहाँ पर गए सैटेलाइट के पास और सैटेलाइट द्वारा पहुंचे सीधे सीधे आपके टाटा स्काई के पास में, ठीक है, टाटा स्काई जो आपके घर के ऊपर लगी हुई है उसके पास, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टू होम सर्विस हो गई। तो डीटीएच सर्विसेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है और इसमें के यू बैंड जो है मेनली उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली बात करें तो टेली एजुकेशन की और टेली मेडिसिन की, ये सारे के सारे एक्चुअली टेली कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है, तो इन सब का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं इंडिया के संदर्भ में कुछ चीजों की। तो इंडिया का जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो था इनसेट 1B और यह लॉन्च किया गया था 1983 में नासा की मदद से, ठीक है, भारत का पहला जो संचार उपग्रह था वो था इनसेट 1B, जिसे 1983 में नासा की मदद से प्रक्षेपित किया गया। अब 1B क्यों, क्योंकि हुआ ये था कि 1982 में हमने इनसेट 1A जो है उसका प्रक्षेपण किया था लेकिन वो असफल रहा था, इस कारण से पहला जो हमारा संचार उपग्रह वो कौन सा कहलाता है, वो इनसेट 1B होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को देखना, यहाँ पर इनसेट की फुल फॉर्म है आपकी इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इस चीज को समझना। जैसे हमने सुदूर संवेदी उपग्रहों में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के अंदर बात करी थी IRS की,
इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, IRS, उसी प्रकार से वो थे सम सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब यहाँ पर हम किन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम संचार उपग्रहों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। तो उनका क्या नाम है या उस सीरीज का क्या नाम था, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। चलिए उसके बाद अगली बात करें, तो भारत में जो इनसेट और जीसेट की जो सीरीज है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के तहत लॉन्च की गई है, ठीक है। इनसेट की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और जीसेट जो है वो है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाम से आप समझ ही रहे हो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मेनली कौन प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये किसकी सीरीज है, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रहों की ही सीरीज है। उसके बाद वर्तमान में इंडिया के 15 संचार उपग्रह ऑपरेशनल हैं या एक्टिव हैं। सक्रिय सैटेलाइट कितने, सक्रिय संचार उपग्रह कितने हैं वर्तमान में भारत के, तो ये 15 है। मैंने आपको पहले बताया कि हर सैटेलाइट जो है उसकी उम्र होती है कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 15 साल, और उसके बाद में वो रिटायर हो जाता है, आउट ऑफ सर्विस हो जाता है, और कई बार किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो पहले भी आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये घटती बढ़ती रहती है संख्या, आप नए लॉन्च करते रहते हो, कुछ पुराने रिटायर होते रहते हैं, पर वर्तमान में कितने सैटेलाइट हैं, तो वर्तमान में 15 संचार उपग्रह जो हैं वो हैं काम कर रहे हैं इंडिया के। और उनमें से कुछ मेन मेन जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में बात करें, तो देखो सबसे पहला कौन सा है, एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, ये पर्टिकुलरली वायुसेना एयरफोर्स के लिए ही डेडिकेटेड है, ठीक है। तो वायुसेना अपने कम्युनिकेशन के लिए किसे यूज करती है, तो एंग्री बर्ड को यूज करती है। फिर रुक्मणी नाम का एक सैटेलाइट है जो हमारी नेवी के लिए लॉन्च किया गया है। उसके बाद में ग्रामसेट नाम का एक सैटेलाइट है जो रूरल डेवलपमेंट, ये देखो ये नाम किससे मिलके बना है, ग्राम, ग्राम होता है जिसे गांव कहा जाता है हिंदी में, और सैट बोले तो सैटेलाइट, ठीक है। तो ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार और दूरस्थ शिक्षा की जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाने के इरादे से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ग्रामसेट। उसके बाद में है आपका अगला एजुसेट, ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा हेतु, नाम अपने आप में बता रहा है, एक ऐसा सैटेलाइट जो टेली एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड हो वो क्या कहलाएगा, एजुसेट, ठीक है। चलिए और बाकी आपको जो मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे वो इनसेट और जीसेट सीरीज के नाम से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हमने पढ़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में, नेविगेशन सैटेलाइट और स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।